आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का हो सकता है फैसला। किरण बेदी मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? किरण बेदी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करेगी। आज तक से बातचीत में बोले मनोज तिवारी, कहा दो दिन पहले जो शख्स पार्टी में आया वो कैसे बन सकता है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। किरण बेदी को लेकर बीजेपी की सफाई, पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी में मिली है किरण को एंट्री। संसदीय बोर्ड के साथ आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक, किरण बेदी की सीट को लेकर भी होगा फैसला। आज दिल्ली विधानसभा के लिए जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी 70 सीटों के लिए घोषित हो सकते हैं नाम। आज से किरण बेदी बीजेपी के लिए शुरू करेंगे प्रचार अभियान, शाम 5 बजे रोहिणी में किरण बेदी का होगा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा दिल्ली के चुनाव को हल्के में न ले, कहा दिल्ली का चुनाव हमारे लिए एक परीक्षा। मगर मैं कहने आया हूं आपको कि दिल्ली हम किस तरह से जीतना चाहते हैं, ये हमारी एक अलग प्रकार की परीक्षा है, मान लीजिए हमारे एक एग्जामिनेशन। चुनाव अभियान से पहले दिल्ली के लिए किरण बेदी ने दिया 6S का मंत्र, ट्वीट कर कहा साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी होगी दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्ने ने भी थामा बीजेपी का दामन, सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में बीजेपी में कल हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिर से हमला बोलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, आज केजरीवाल के खिलाफ जारी कर सकती है यू टर्न बुकलेट। बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, नोट के बदले वोट वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। केजरीवाल के वोट के बदले नोट वाले बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी साधा निशाना। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में कहा था बीजेपी और कांग्रेस वाले पैसे देने आए तो मना मत करना, पैसे रख लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी, पैसे देने आए मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। पर्चा भरने निकले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, पहले पूजा पाठ की पटपड़गंज से, पार्टी ने दूसरी बार बनाया है उम्मीदवार। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी की सभा में हंगामा, पार्टी के नेता आशुतोष को बंधक बनाने की कोशिश, लोहे के ग्रिल फांद कर भागे आशुतोष। टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने सभा में हंगामा किया, आशुतोष से कहा जवाब नहीं मिलने तक नहीं जाने दूंगा। ओबामा दौरे से पहले लश्कर के आतंकी साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट, भारत पाक सीमा पर बढ़ाई गई गश्त। ओबामा के भारत आने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा ओबामा की भारत यात्रा के दौरान आतंकवादी हमला हुआ तो खैर नहीं। 3 दिन के दौरे पर 25 जनवरी को भारत पहुंच रहे हैं ओबामा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की मौत पर बवाल, हिंसक झड़प में 3 की मौत, पुलिस ने 10 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। गांवों में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार, उत्तम नगर में रहने वाली 10वीं की छात्रा को अगवा कर पहाड़गंज ले जाकर 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में, पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी को 4 महीने से अगवा करने की मिल रही थी धमकी, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। दिल्ली के उत्तम नगर में बीती रात नाइजीरियाई लोगों का हंगामा, नशे में धुत लोगों ने स्थानीय लोगों पर शराब की बोतलों से किया हमला। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में चलती कार में अचानक लगी आग, कार में सवार दंपत्ति समय रहते बाहर निकलने में कामयाब, दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बाहर कंटेनर चालकों की पुलिस से झड़प, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को बनाया निशाना, पुलिस पर लगाया वसूली का आरोप।